सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोना। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हो आप सभी। तो और फाइनली एमिबन डाई का जो भाई ट्रैक आने वाला था, जिसकी भाई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रखी थी, जो कि यंग गालिब के साथ आने वाला था। और ये जो उनकी एल्बम है एमिबन डाई की, KOTS किंग ऑफ द स्ट्रीट भाई, उसका ट्रैक और भाई गाने का नाम हम सभी को पता है, क्या बोलती पब्लिक। इससे पहले भाई कंपनी का गाना निकला था, उसका हुक जो था यही था, क्या बोलती कंपनी, ठीक है। बट अभी क्या बोलती पब्लिक। और भाई इसका जो शूट, जो हमने टीजर वगैरह देखा, वो भी कुछ ऐसी था कि मतलब स्ट्रीट्स पे शूट हो रखा है पूरा। और भाई यंग गालिब, तो भाई मतलब मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब हमें ये ट्रैक वाई भी देखने को मिलेगा, या क्या पता थोड़ा सा हार्डकोर, थोड़ा सा वाई, या फिर थोड़ा सा कमर्शियल, अब वो सुन के ही पता लगेगा। लेकिन भाई एक चीज़ है, गाने के टाइटल पे भाई एक्सप्लिट लिखा, तो इसका मतलब भाई गाली और बैड वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। और क्या पता भाई शॉर्ट्स भी हो सकते हैं किसी आर्टिस्ट को लेके, क्योंकि अभी कर्मा से हाल फिलहाल में बीफ चली है यंग गालिब की, और मतलब पूरे बंटा रिकॉर्ड एंड कलमकार जब से चली रहा है। सो भाई लेट्स सी, देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई एक्सप्लिक्ट आ गया ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो भाई फालतू बातें नहीं करते, हेडफोन्स पहन लेते हैं। बाकी आप भी हेडफोन लगा लेना और अच्छे से एक्सपीरियंस करना भाई वीडियो को, ठीक है। एंड फालतू बातें बाद में कर लेंगे, और रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते भाई राइट नाउ। गाना छोटा है, 2.5 मिनट का है भाई। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया भाई। आज हमको किसी भाई ने, जिस इंस्टाग्राम पेज का नाम है ड्रिप कल्चर भाई, ये टी शर्ट स्पॉन्सर करी है। और भाई टी शर्ट स्पॉन्सर करिए, आपने बहुत जगह अपनी मार्केट में टी शर्ट वगैरह देखी होगी, लेकिन भाई ये कुछ डिफरेंट है, क्योंकि भाई कोई रेडीमेड टी शर्ट नहीं है, एकदम कस्टम टी शर्ट है। अगर भाई को जाके कॉन्टैक्ट करना है पेज पर, मैं आपको पेज का लिंक और डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, वहाँ पर आके मतलब कॉन्टैक्ट करना है। ये आपको कस्टम टी शर्ट बना के देंगे, जो भी आपका डिज़ाइन है, जो भी आपका नेम है, जो भी आपका लोगो है, वो सारी भाई आपको बेस्ट 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 रीजनेबल प्राइस पर बना के देंगे। एंड ऑफकोर्स ये आता है भाई फुल्ली कस्टमाइजेबल के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और भाई इनके टी शर्ट का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा गुड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुड है। तो भाई कलमजोन भाई की रेफरेंस है भाई, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना इफ़ आपको एनी मतलब कस्टमाइज टी शर्ट की नीड है। तो अब बाकी अपन ट्रैक पे बढ़ते भाई। भाई पूरे स्ट्रीट के सीन दिख रहे हैं मुंबई के, कि मतलब चोरी चकारी जैसे होते हैं। कमर्शियल वाइब ओए, ये वाला एमी बंटा वाला नहीं लग रहा 2017-18 वाला, जब हम ट्रैक सुनते थे एमी बंटा के। अरे कुछ थोड़ा थोड़ा ना वैसे ही प्रेफर लग रहा है जैसे हमने क्या बोलती कंपनी मतलब कंपनी ट्रैक सुना था, और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गया, 100 मिलियन प्लस व्यूज़ हो गए भाई अभी तो, शायद एक मतलब 110 मिलियन कुछ ऐसे हो रहे होंगे। बट ये भी कुछ ऐसी कमर्शियल वाइब लेकर आया है। एंड यंग गालिब का पार्ट मेरे को बेसिकली सुनना कि वो वाइब करेंगे या फिर ऐसी कमर्शियल ट्रैक करते हैं। पुलिस पकड़ के ले जा रही भाई, एक मिनट। अच्छा मैं सोचा डबल डबल शॉट ले रखा है, स्कूटी में भी आई बनता है और कार में भी, मतलब जीप रेंजलर में, बट कोई और है। मैं इनमें से एक था, करता हरकत वही जो हरकत दूसरों में था देखता, काफी कूल लग रहा था, आईडी चले कर रियलिटी बता रहे भाई, मैं जिंदगी को सही नजर से देख क्या ध्यान दे, भी निकला इस पटेली वाली दुनिया से, हटे ले थे पर छोड़ा सब, अब नाम बना रहे दुनिया में। अब भी भाई फैक्ट्स है, क्योंकि ये जो लाइक एमसी स्टैन है, डिवाइन है, और अपने या फिर एमी वंडा हो गए, जितने मुंबई के अभी जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है ना भाई, वो मतलब एकदम इस टाइम पे नेक्स्ट लेवल पे है। और अगर हम उनका जो पास्ट का बैकग्राउंड देखें तो लाइक वो वही रहा है भाई, झुग्गी झोपड़ी वाला, स्ट्रीट्स वाला, गलियों वाला, ठीक है, लाइक चोरी चकारी करना, लाइक अगर हम भी अभी स्ट्रीट में जाके बच्चों को देखते तो वो क्या करते हैं, चोरी चकारी, गाली वाली देते हैं, ठीक है, कोई ड्रग्स कर रहा होता, कोई कैसे, तो ये सारे उस सिचुएशन से फेस होकर आए हैं, ठीक है। एमसी स्टैन ले लो भाई, डिवाइन ले लो, डिवाइन ने भी अपनी पूरी गली को रिप्रेजेंट किया ऑल टाइम, आज भी भाई गली गैंग के नाम से लेबल है। एमसी स्टैन भी हमेशा बस्ती बस्ती करते रहते हैं, और एमयू वन टाइम भी भाई, उनकी तो पूरी एल्बम आ रही किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। तो भाई मतलब जितने भी मुंबई के रैपर है, सब ने ये लाइफ फेस करी है जो कि आज हम देखते हैं, ठीक है, स्ट्रीट्स वगैरह की, और आज वो इतने मतलब बड़े स्टेज पे है, सो प्राउड मोमेंट भाई। इतने लोग फंसे ले वही दुनिया में, तो पता लगा लाला कि तू आया क्यों है दुनिया में, जान ले पैया घूमेगा नहीं, मारना पड़ता पेडल, जिंदगी खेले लाला जी तो ट्रॉफी मेडल, सपने को पूरा करने मेहनत जाके करो, बच्चे बोलने चाहिए डैडी मेरे आड़ा गेड़ो। कमर्शियल ट्रैक में मोटिवेशन भाई, भाई कमर्शियल ट्रैक वाले करीब बनाते खुद की नसीब, डीसी एकदम बदीर, रावस रहने का अजीब, निकालो खुद की तरकीब, जिंदगी बड़ी बनाने को, पैदा चाहे किधर भी हो मरने का नहीं गरीब। भाई फैक्ट्स, पैदा चाहे जिधर भी हो मरने का नहीं गरीब, भाई दिस इज मोटिवेशन भाई, ट्रूली मोटिवेशन भाई।
गरीब मरना तो नहीं, अगर गरीब फैमिली में पैदा हो गए तो गरीब मरने का नहीं है भाई। तरकीब जिंदगी बड़ी बनाने को, पैदा चाहे किधर भी हो मरने का नहीं गरीब। क्या बोलती पब्लिक ये करके अपन छोड़ दिए ले, क्या बोलती पब्लिक ये सब मत करो। हाँ क्या बोलती पब्लिक, नाम बनाओ दुनिया में, आँख से बोलो मचारे ले। बॉयज फ्रॉम द गेटो, कितनों की गांड जल गए राख, अपना राज चल रहा पूरे सीन में। ओके, इसलिए एक्सप्लिक्ट है भाई, गांड मतलब जी बोल दिया। आँख से बोलो मचारे ले। बॉयज फ्रॉम द गेटो, कितनों की गांड जल गए राख, अपना राज चल रहा पूरे सीन में। ये लोग से हार्ड अपना पास देखे बुरे दिन भी, हाँ स्ट्रीट फाइटर वाले टाइम के हम खेली मारा मारी वाले कांड। स्ट्रीट फाइटर वाले टाइम मतलब जो स्ट्रीट फाइटर अपनी गेम आती थी यार, राइट। अपना पास देखे बुरे दिन भी, हाँ स्ट्रीट फाइटर वाले टाइम के हम खेली मारा मारी वाले कांड करके छोड़े पहला इनसे। कि ये काम तभी नाम ज्यादा फैला इनसे, बैक बेंचर बाबा लेकिन हार्ड अपन पहला दिन से। सीढ़ी मारे दोस्त को तो यहाँ बंदी बल्टे, बम्बई वाला स्वैग अपने अंदर बनता पैदा ही है। सीटी मारे दोस्त को यहाँ तो यहाँ पे बंदी पलटे, बट मतलब वो अपने दोस्त को सीटी मार रहा था। लाइक पता है मुंबई के जो स्लैंग्स होते हैं या फिर इवन कहीं पे भी लाइक ऐसे होता है, दोस्त वगैरह को या फिर किसी को बुलाना होता है तो सीटी मार के बुलाते हैं। उसे नाम बोल के बोलो तो वो नहीं देखेगा, उसे या गाली देते हो या सीटी मारो तो वो मुड़ के जरूर देखेगा भाई, ये फैक्ट है। सीटी मारे दोस्त को तो यहाँ बंदी बल्टे, बम्बई वाला स्वैग अपने अंदर बनता पैदा ही है। प्यार करने वाले साथ साथ ऑलमाइटी है, पैसा घर घूमने को है कार बाबा और क्या चाहिए। वेव लेके आया इनकी डूब गई टाइटैनिक के, जमी से हम हो गए बाबा, से बोलते ऑर्गेनिक की बारिश हो रही है, खुदा बरसा रेला रहमत, नाम बना रेला बेटा अम्मी अब्बा सहमत, बैठे बैठे मिला नहीं किए ले है मेहनत, पूरी हो रही मन्नत अपने साथ बनता है एसआर के। क्या बोलती पब्लिक ये करके अपन साथ बनता है एसआर के, मेहनत पूरी हो रही मन्नत अपने साथ बनता है एसआर के। क्या बोल एसआर के तो शाहरुख खान को बोलते हैं, बट शाहरुख नाम तो इस भाई का भी है तो लेजिट। अगर कुछ और मीनिंग है तो एक कमेंट सेक्शन में बता दे। बेटे मिला नहीं किए ले है मेहनत, पूरी हो रही मन्नत अपने साथ बनता है एसआर के। क्या बोलती पब्लिक ये करके अपन छोड़ दिए ले, क्या बोलती पब्लिक ये सब मत करो। क्या बोलती पब्लिक यार, ये थोड़ा सा ना ऑड लग रहा है, मतलब इसको ठीक किया जा सकता था। ये मेरा पर्सनल पीओवी है, इफ आई एम रॉन्ग तो भाई तुम्हारी पर्सनल जो चॉइस है वो कुछ और हो सकती है क्या, क्योंकि यार म्यूजिक सब्जेक्टिव है, किसी को सही लगता है किसी को नहीं लगता, तो अब उस चीज पे गाली मत देना कि तेरे को तू हेटर ही हो। बट ये जो यंग गाली बीच में के बोलते ना ऐसे मत, वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है यार। पब्लिक ये करके अपन छोड़ दिए ले, क्या बोलती पब्लिक ये सब मत करो। क्या बोलती पब्लिक, नाम बनाओ दुनिया में, आँख से बोलो मचारे ले। बॉयज फ्रॉम द गेटो, क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलते मचारे ये नहीं, क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते, आँख से बोलो मचारे ले बॉयज फ्रॉम द गेटो। ओके ओके, सो अपना ट्रैक जो भाई वो ओवर होता है, बट जैसे कि मैंने बोला वो जो पार्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई ये फर्स्ट लिसन है, ठीक है। अब धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा माइंड में, अगर एक दो बार और सुनूंगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर भाई ट्रैक की बात करें भाई तो ट्रैक प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ टॉप नॉच और बैड प्रोडक्शन की है MY के बीट्स ने, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड वही बात बोलूँगा जो कि मैंने जो छोड़ डाला गाना आया था MY का, उसके रिएक्शन में बोला था कि भाई मतलब दिस इज़ रियल हिप हॉप, क्योंकि इसमें रियल बातें हो रही हैं, और जो चीज़ अभी इस टाइम पे इंडस्ट्री में कोई आर्टिस्ट कह रहा हूँ, कोई रैपर नहीं कर रहा है, वो चीज़ इस टाइम पे MA बनता है कर रहा है। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, लोग फ्लैक्स कर रहे हैं, लाइक अगर हम डिवाइन को देख ले या फिर अनदर आर्टिस्ट को देख ले या फिर वो मतलब बीफ चल रही है उनकी या फिर वो भाई फ्लैक्स कर रहे हैं कमर्शियल ट्रैक कर रहे हैं, बट MA बनता है भाई जोन, अपने जोन में रहकर ही भाई ऐसे ऐसे ट्रैक डाल रहे हैं जो कि वो कमर्शियल भी कर रहे हैं, स्ट्रीट को भी फॉलो कर रहे हैं, मोटिवेशन भी मतलब दे रहे हैं। छोटा वाला गाना भी ऐसे ही था और ये वाला ट्रैक भी कुछ उसी से मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा कमर्शियल वाइब में आ गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और पूरा टोटली जो है भाई वो ये वाला ट्रैक भी मोटिवेशनल ट्रैक था। तो भाई कमेंट्स में बताना आपको ट्रैक कैसा लगा कैसा नहीं लगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर भाई कब पूरी की पूरी एल्बम रिलीज़ हो भाई KOTS। एंड अगर आपको भाई पता है तो भाई मेरे को उस एल्बम का बताना जो अपनी 8 साल आई थी, उसका साइड भी मतलब Phase 2 देखने को बच रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट पता नहीं अब वो MA1 निकालेंगे भी या नहीं निकालेंगे, तो वो चीज़ मेरे को बताना। और क्या यही एल्बम जो हमें KOTS देखने को मिल रही है वही रीनेम होकर मिल रही है या फिर क्या सीन है भाई, क्योंकि MA1 कोई अगर होगा क्लोज फैन पे जिसकी बात वगैरह होती होगी तो प्लीज़ भाई लेट मी नो। एंड बाकी ट्रैक वगैरह के लिए बता देना। एंड अगेन भाई अगर आपको टी शर्ट चाहिए कस्टमाइजेबल और वो भी रीजनेबल रेट्स पे, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेज का और भाई का फ़ोन नंबर मैंने दे रखा होगा, तो जाके कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना भाई, टाटा बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।